और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है जो अयोध्या विवाद को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है, जो अपील दायर की गई थी। दिल्ली से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है जो लगातार राम मंदिर को लेकर के जो फैसला आया था, तो अयोध्या जमीन मामले पर पुनर्विचार याचिका जो खारिज कर दी गई है, जो दाखिल की गई थी फिलहाल, लेकिन वो अब खारिज कर दी गई है। तो लगातार कुछ संगठनों को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी इस बात को लेकर के कहा था और सुन्नी वक्फ बोर्ड भी लगातार अब कहीं ना कहीं जो अपील दी गई थी, जो तर्क दिया गया था कि इसके पीछे, और लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी वो याचिका। तो बड़ी खबर यही है और लगातार कोर्ट की तरफ से भी यही कहा जा रहा था कि जब एकता की बात की जा रही है, जब हिंदू मुस्लिम की बात की जा रही है, जब किसी को आपत्ति नहीं तो महज कुछ लोगों को आपत्ति है, तो सवाल ये भी उठ रहा था कि आखिर वो लोग कौन हैं जो इस मामले को कहीं ना कहीं बढ़ाना चाह रहे हैं, खत्म नहीं होने देना चाह रहे हैं, हिंदू मुस्लिम रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल अब तमाम सारी अटकलों को लगता है कि विराम लगता नजर आ रहा है, क्योंकि अयोध्या जमीन विवाद मामले पर पुनर्विचार याचिका जो दाखिल की गई थी, फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया। तो बड़ी और अहम खबर। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।